Hey guys, welcome or welcome back to my channel Pooja's Adda. Hope you all are doing great and I hope आप सब घर पे होंगे and safe होंगे. आज इस वीडियो में मैं आपसे ये लुक शेयर करने वाली हूँ जो कि होने वाला है तीज मेकअप लुक. सो जो न्यूली मैरिड हैं या मैरिड हैं वो ईजिली इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं, और सिर्फ तीज में नहीं, किसी भी पूजा पाठ में या पार्टी फंक्शन के लिए भी आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं. और जो अनमैरिड हैं और उन्हें ट्रेडिशनल मेकअप करना पसंद है और या फेस्टिवल्स में, क्योंकि अब काफ़ी फेस्टिवल्स भी बैक टू बैक आने वाले हैं, सो वो भी इस लुक को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं. मैंने इस वीडियो में ट्राई किया है कि जो मेकअप है उसे इजी एंड सिंपल रखूं, स्पेशली आई मेकअप, ताकि जो बिगनर्स है उनके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो इस तरीके का मेकअप करने में. सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है सो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को भी याद से ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियो अपडेट्स आपसे मिस ना हो. मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करिएगा, आईडी मैं मेंशन कर रही हूँ. सो चलिए अभी ज़्यादा बातें ना करके हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेकअप. सो यहाँ सबसे पहले मेकअप करने से पहले आपको अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है किसी भी फेस वॉश से, ताकि आपका फेस फ्रेश दिखे. एंड उसके बाद यहाँ पे मैं मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ. मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का मॉइस्चराइजर. आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ करें ताकि आपका फेस ड्राई ना हो. नेक्स्ट यहाँ पे मैंने प्राइमर अप्लाई किया है. इनसाइड का 3-in-1 सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, जिससे जो ना आपके स्किन के टेक्सचर को स्मूथ कर देगा एंड प्लस आपका जो मेकअप है वो लास्ट लॉन्ग स्टे करेगा एंड मेकअप से आपके स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगा. नेक्स्ट बेस के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन, एंड डॉट डॉट करके इसे अपने फेस नेक पे अप्लाई कर लूँगी एंड उसके बाद एक डैम्प ब्यूटी गीले ब्यूटी ब्लेंडर से डैप करते हुए इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी. उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो शेड है फाउंडेशन का, ये थोड़ा सा लाइट है बट पूरा मेकअप के एंड तक ये सेटल हो जाएगा एंड बहुत ही अच्छा इसका कवरेज आता है. फिर यहाँ पे मैंने स्पूली से अपने ब्रॉस को कोम कर लिया है, और अब यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का विंकी आई शेड पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें से मैंने डार्क ब्राउन शेड पिक किया है अपने ब्रॉस के लिए. एंड एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपने ब्रॉस को लाइट स्ट्रोक से फिल कर लूँगी. आपको अपना नेचुरल जो ब्रॉ लाइन है उसे ही फॉलो करना है. एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं मेबलिन कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, फिट मी कंसीलर, और इसे अपने आई लिड पे, अंडर आइज एंड जिस भी फेस के फीचर्स पे मुझे हाईलाइट करना है वहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी एंड इसे भी एक ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी. जो भी मेकअप प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सारे के बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे विथ माई शेड नंबर. नेक्स्ट बेस को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है, जिसे एक ब्रश की हेल्प से मैं अपने बेस को अच्छी तरीके से सेट कर लूँगी. यहाँ पे फिर नेक्स्ट मैंने वेट एंड वाइल्ड का कॉन्ट्यूरिंग पैलेट लिया है जो पाउडर बेस है, एंड इससे मैंने अपने चिक पे, चिन एरिया पे, फोरहेड पे, जहाँ भी मुझे अपने फेस पे डायमेंशन देना है वहाँ पे मैं अप्लाई कर लूँगी. पाउडर बेस है, बजट फ्रेंडली है, सो बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है यूज़ में. नेक्स्ट मैंने मार्स का बनाना पाउडर लिया है एंड जिसे मैं अपने अंडर आइज़ पे अप्लाई कर लूँगी, ताकि वहाँ का जो बेस है अच्छी तरीके से सेट हो जाए एंड जो मैं काजल वगैरह लगाऊँ वो काजल जो मेल्ट होता है वो ना हो, एंड प्लस मैं जो भी आई मेकअप करूँगी सो आई शेड या जो भी एक्स्ट्रा मेकअप फॉल होगा वो ईजिली क्लीन हो जाए. एंड इसे अपने ब्रिज ऑफ नोज़ भी अप्लाई कर लूँगी, ताकि जो वहाँ पर जब मैं हाईलाइटर यूज़ करूँ तो वो बहुत ही अच्छे से हाईलाइटेड दिखे. नाउ आई मेकअप के लिए मैंने सेम पैलेट में से डार्क ब्लू शेड पिक किया है एंड एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसे अपने पूरे आई लीड पे अप्लाई कर लूँगी. इसमें ज़्यादा स्मजिंग नहीं करना है. सो इसे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने डार्क कोरल शेड पिक किया है एंड इसे मैं एक स्मॉल फ्लफी ब्रश की हेल्प से अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी एंड इन एंड आउट करते हुए अच्छी तरीके से इसे ब्लेंड कर लूँगी, और ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाना है. सो ये ब्लू से मिक्स होकर ना थोड़ा एक सा मरून काइंड ऑफ आपको अपने क्रीज लाइन पे शेड दिखेगा. आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रहा था, और ये बहुत ही, मैंने जैसे पहले बताया, मैंने ट्राई किया कि मैं बहुत सिंपल रखूँ ये आई लुक. फिर यहाँ पे मैंने एक गोल्डन शिमरी शेड लिया है, और यहाँ आपको मेरी आवाज़ के साथ जो एक और आवाज़ आ रही है वो मेरी बेबी की है. सो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वो मेरे पास है, उसे लग रहा है मैं उससे बात कर रही हूँ, तो वो भी शायद साथ साथ मुझसे बात कर रहा है. नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लैक्मे आइकॉनिक काजल लिया है ब्लैक, एंड इसे जैसे हम नॉर्मल काजल लगाते हैं थिक सा, अपने लोअर लैश लाइन पर मैं काजल अप्लाई कर लूँगी
एंड फिर एक स्मॉल स्मजिंग ब्रश में मैंने सेम कोरल शेड पिक किया है एंड उसे काजल के साथ अच्छी तरीके से मैं स्मज कर लूँगी, जिससे जो आई लुक है ना वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, काफ़ी अच्छी लगती हैं आँखें इस तरीके से काजल अप्लाई करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे मैंने फेसेस कैनेडा का लिक्विड आई लाइनर लिया है एंड इससे लाइनर अप्लाई कर लूँगी। आपको जैसा कम्फर्टेबल हो वैसे आप लाइनर अप्लाई कर ले। मैं यहाँ पे पतला सा लाइक नॉर्मल हम जैसे डेली बेसिस पे लगाते हैं, मैं उस टाइप का ही लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, एक्स्ट्रा कोई विंग लाइनर नहीं ले रही। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने पर्पल का मस्कारा लिया है एंड इसे पहले अपने नेचुरल लैशेस में मैं लगा लूँगी। फिर यहाँ पे मैंने फॉल्स लैशेस वेयर कर लिए हैं एंड उसके बाद अगेन मैंने मस्कारा अपने नेचुरल लैशेस पे लगा लिया है ताकि वो फॉल्स लैश के साथ मर्ज हो जाए एंड लोअर लैश पे भी मैंने अप्लाई कर लिया है। फिर यहाँ पे मैंने सेम आई शेड पैलेट से सेम कोरल शेड पिक किया है एंड उसे एज अ ब्लशर मैं अप्लाई कर लूँगी एंड ऊपर की तरफ स्ट्रोक दूँगी ताकि जो फेस है वो लिफ्टेड दिखे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर पैलेट लिया है एंड इसमें जो रोज़ गोल्ड शेड है वो मैंने पिक किया है हाईलाइटिंग के लिए, जिसे मैं अपने चिकबोन पे, अपने टिप ऑफ नोज, ब्रिज ऑफ नोज, टिप ऑफ लिप्स पे, चिन पे एंड जहाँ भी मुझे हाईलाइट करना है मैं वहाँ पे अप्लाई कर लूँगी ब्रश की हेल्प से। अगर आपको लगे कि ब्रश से आपको ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं मिल रहा है सो आप डेफिनेटली अपने फिंगर्स यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा पिगमेंटेशन मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लैक्मे का एनरिच सैटिन मैट लिपस्टिक ली है, ब्यूटिफुल रेड कलर की लिपस्टिक है एंड क्योंकि तीज लुक है यार तो इसमें जब तक रेड ना हो तो वो लुक कंप्लीट नहीं होगा, सो वो लिपस्टिक मैं अप्लाई कर लूँगी एंड इसी के साथ जो मेरा मेकअप है वो कंप्लीट हो गया है। फिर मैंने बन बना लिया है, आर्टिफिशियल गजरा वेयर कर लिया है एंड जो ज्वेलरी मैंने वेयर की है वो मैंने मीशो से बाय किया है, प्रोडक्ट कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने एक छोटी सी रेड कलर की बिंदी लगा ली है एंड ऑफकोर्स ये जो लुक है स्पेशली फॉर मैरिड है, सो बिना बिंदी के आपका जो श्रृंगार है वो पूरा नहीं होता है। सो इसी के साथ जो मेरा लुक है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये पसंद आएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, स्पेशली आई मेकअप। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय।